नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि कोरोना का सबसे पहला मामला किस देश में मिला था। जी हाँ, कमेंट करके उस देश का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना की बीते 24 घंटों में आए 42,766 नए मामले, 308 मरीजों की हुई मौत। केरल में कोरोना के बीच एक और खतरा, निफा वायरस ने ली 12 साल के बच्चे की जान, केंद्र ने भेजी टीम। FSSAI ने कहा, डेयरी के नाम पर बेची जा रही गैर डेयरी उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाई ई कॉमर्स कंपनियां। केरल में बढ़ते मामलों के बीच लगाया गया लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, एक ही दिन में मिले 29,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 2 और हफ्तों तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 20 सितंबर तक रहेगा लागू। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देगी योगी सरकार, 21,000 से अधिक किसानों के साथ शुरू होगा अभियान। जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी की मौत के चौथे दिन प्रतिबंधों में दी गई ढील, सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी जारी। आरएसएस पर टिप्पणी करने पर जावेद अख्तर के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राम कदम ने कहा, बयान वापस ले और हाथ जोड़कर माफी मांगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले का बयान, देश के विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना जरूरी, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार की अच्छी पहल, केंद्रीय कर्मियों को ऑफिस में रोज मिलेगा 5 मिनट का योगा ब्रेक। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को छोड़ा पीछे, अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे। तालिबान राज में अफगानिस्तान में अपने पंख फैलाने को बेचैन है चीन, मध्य एशिया पर ड्रैगन ने जमाई नजर। टीचर्स डे पर राष्ट्रपति ने 44 शिक्षकों को किया सम्मानित, कहा विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि को जागरूक करें। केरल में रविवार को लगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को दी गई अनुमति। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने देश के शिक्षकों को दी बधाई, कोरोना काल में किए गए कार्यों को सराहा। मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, मेडिकल छात्रों से 8 घंटे से ज्यादा नहीं लिया जाए काम, इसके लिए SOP की जाए जारी। इसरो ने अंतरिक्ष में जीव विज्ञान संबंधी उपकरण का निर्माण किया, सूक्ष्म जीवों को विकसित करने में होगा मददगार। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 68,37,00,000 के पार, राज्यों को निर्देश, वरिष्ठ नागरिकों को दूसरी डोज लगाने पर दे ध्यान। सरकार ने कैंसर, डायबिटीज और TB समेत 39 दवाओं की कीमत घटाई, कोविड के उपचार में भी होगी सहूलियत। तालिबान की वापसी से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश हो रही है खत्म, POK में बढ़ी आतंकियों की सरगर्मी। सुप्रीम कोर्ट में होगा CBI के काम का परीक्षण, हाल ही के वर्षों में मिली सफलता का रिकॉर्ड भी किया जाएगा तलब। CJI के सामने कानून मंत्री रिजिजू बोले, न्याय में देरी बड़ा प्रश्न चिन्ह, अदालतों में लंबित मामले बने चुनौती। तेलंगाना की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की अमित शाह से मुलाकात, मांगे और IPS अधिकारी। देश में सोर्स शीर्ष ड्रग माफिया, सरगनाओं की पहचान कर शुरू हुई कार्रवाई, बोले रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया। तेजी से पंजशीर पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है तालिबान, अमरुला साले ने UN को लिखा पत्र, सरेंडर करने से किया साफ इनकार। आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं बादाम और किशमिश के दाम, तालिबान की वजह से महंगा होगा भारत में ड्राई फ्रूट्स। किसान महापंचायत में बोले टिकेत, अब इनको वोट की चोट देनी होगी, 27 सितंबर को भारत बंद का किया ऐलान। MP में RSS के विचार पढ़ेंगे, MBBS के छात्र मेडिकल कोर्स में शामिल होगा डॉक्टर हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सार। अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए आपस में भिड़े तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, गोली चलने से मुल्ला ब्रादर घायल।
मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय में इजरायली पद्धति से सिखाई जाएगी खेती की तकनीक, किसानों को मिलेगा फायदा। कृषि क्षेत्र से देश के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 2020-21 में 17.34% बढ़ा कृषि निर्यात। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में फिर बरसेगा मानसून, दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, साथ ही यूपी और बिहार में भी मौसम रहेगा शानदार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी की रोडवेज बसों में जल्द एंड्रॉइड एटीएम से मिलेगा टिकट, पहले फेज में लखनऊ और गाजियाबाद में मिलेगी मशीनें। महाराष्ट्र में भाजपा और मनसे पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, बोले मंदिर खुलवाने के लिए नहीं, कोरोना के खिलाफ करे प्रदर्शन। बिहार में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर ओवैसी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा सीमांचल के लोगों की भारतीयता पर बार बार किया जा रहा है शक। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ब्राह्मण समाज को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल के लिए आयुष मंत्रालय ने शुरू किया अभियान, 15 लाख लोगों के बीच होगा रोग निरोधी दवाओं का वितरण। सभी रिकॉर्ड तोड़ सरसों का रेट पहुंचा 9,200 रुपए प्रति क्विंटल, तेल की कीमतों में भी इस सप्ताह हुआ इजाफा। अफगानिस्तान घटनाक्रम पर संघ की नजर, मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित होने पर बीजेपी ने मचाया बवाल, बीजेपी ने सरना उपासना के लिए मांगा स्थान, कहा देवघर में मंदिर है बंद, लोग है भूखमरी की शिकार। पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी का नोटिस, अंगरक्षक की मौत के मामले में किया तलब। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शिवसेना पर साधा निशाना, बोले विश्वासघात करने वालों के साथ चुनावी गठबंधन कभी नहीं होगा। चुनावी राजनीति में मोदी के 20 साल 20 दिन चलेगा सेवा और समर्पण कार्यक्रम, भाजपा करेगी ये खास आयोजन। कर्नाटक में ऑनलाइन सट्टे व जुए पर लगेगी रोक, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर राज्यों में नहीं लगेगी पाबंदी। ऐतिहासिक करार, असम में हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता, अमित शाह की मौजूदगी में 1000 कैडर्स ने डाले हथियार। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की नई पारी, तृणमूल कांग्रेस ने कू पर आधिकारिक खाता बनाया, बांग्ला और अंग्रेजी में पोस्ट करके दी जानकारी। पंजशीर में साले का सिर लेने पहुंचेगा पाकिस्तान, 30 लाख शरणार्थियों और 11,000 तालिबानी लड़ाकों की रिहाई के बदले मांगा अफगानिस्तान में हिस्सा। केदारनाथ में अगले माह तैयार हो जाएगी शंकराचार्य समाधि स्थली, 12 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। राहुल गांधी का 9 से 10 सितंबर को जम्मू का दौरा, जा सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर। मुजफ्फरनगर में महापंचायत में टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले जब आंदोलन सफल होगा तभी घर लौटूंगा। यूपी चुनाव 2022 के तहत आज से 18 शहरों में शुरू हुआ भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में करेंगे संबोधित। यूपी में आजम खान के समर्थन में उतरे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, बोले सरकार ने सांसद के साथ जुल्म किए। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, खुफिया जानकारी के बाद बढ़ाई गई इजरायली दूतावास की सुरक्षा। उत्तराखंड में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा, हल्द्वानी में निकली भव्य रैली, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया लोगों का अभिवादन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था गिलानी का शव, एफआईआर दर्ज, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। पंजाब में एक बार फिर से बिजली संकट, कोयले की कमी से सरकारी थर्मल प्लांट बंद, बाहर से खरीदी जा रही है बिजली। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल को अंतरिम जमानत के लिए करना होगा आत्मसमर्पण, होशियारपुर कोर्ट ने दिया निर्देश। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी विधायकों के टीएमसी में शामिल होने पर बोले दिलीप घोष, वे गाय बकरी तो नहीं जो मैं बांध कर रखूंगा। राजस्थान की कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए जीता गोल्ड मेडल, सीएम गहलोत ने दी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।